आखिर कब तक झेलना पड़ेगा कमबख्त कोरोना का दंश? आखिर कब तक मार्केट में आएगी कोरोना की वैक्सीन? वैक्सीन आने तक डॉक्टर कैसे करेंगे कोरोना का इलाज? दिसंबर के आखिर में शुरू हुई कोरोना की तबाही आज भी पूरी दुनिया में जारी है। दोस्तों, दुनिया भर में अब तक करीब 16,000 लोगों का काल बन चुके कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यह कोविड-19 किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। पूरी दुनिया में हर किसी की नज़र इससे जुड़े इलाज की तरफ लगी है। दवा कब तक सामने आएगी, क्या करें कि इस बीमारी से बच सकें, हमारे वैज्ञानिक आखिर क्या कर रहे हैं, जब दवा नहीं बनी तो आखिर अस्पतालों में इलाज किस पर हो रहा है, इस बीमारी को कोई कोरोना तो कोई कोविड-19 बता रहा है, आखिर क्या है ये बला? दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि सरकार की पूरी बात सुनिए। वह जो गाइडलाइंस आपको दे रहे हैं वह आपके और पूरे देश की भलाई के लिए है, लिहाजा घर से मत निकलिए, लोगों से दूरी बनाए रखें, बार बार हाथों को धोते रहिए, अपने हाथों से मुंह, नाक, कान या चेहरे को ना छुएं। अब बहुत लोग यह जानने को बेताब होंगे कि कमबख्त इसकी दवा कब तक आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा मेडिकल कंपनी इसकी दवा बनाने में लगी हैं। लेकिन बड़ा अपडेट एक बार फिर अमेरिका की मोडर्ना कंपनी की ओर से है, जिससे उम्मीद भी बंधी है कि टीका जल्द मिल जाएगा। अमेरिका स्थित मेडिकल कंपनी मोडर्ना कोविड-19 के टीके की टेस्टिंग पर पिछले कुछ अरसे से काम कर रही है। इस कंपनी ने ऐलान किया है कि टीके को जल्द ही इस साल के अंत तक सीमित मात्रा में बनाने में सफलता मिल जाएगी। कंपनी ने यूएसए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को इस संबंध में डिस्क्लोजर रिपोर्ट भी पेश की है। रिपोर्ट में मोडर्ना के सीईओ के बयान का हवाला दिया गया है, जो उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के प्रतिनिधि को दिया है। इस बयान में बेंसल ने कहा है कि कमर्शियल तौर पर उपलब्ध होने वाला टीका अभी 12 से 18 महीने में उपलब्ध नहीं हो सकेगा, लेकिन आपातकालीन स्थिति में यह टीका कुछ लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है, जिसमें हेल्थ केयर में लगे लोग भी शामिल हैं। और कंपनी कोविड-19 टीका mRNA-1273 के नाम से विकसित कर रही है। यह टीका अमेरिका वैक्सीन रिसोर्सेज सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं की रिसर्च पर आधारित है। टीके पर फेज 1 स्टडी की गई है। आपको बता दें, 16 मार्च 2020 को पहले मरीज को इसकी एक डोज दी गई। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स डोज के आंकड़ों का शोध कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक स्वस्थ व्यक्ति को 28 दिन के अंतराल में 2 टीके की डोज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक शोध में 45 स्वस्थ व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इनको 12 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा और ठीक होने पर कॉमर्शियल के तौर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको ये भी बताना बेहद जरूरी है कि 69 दवाओं पर अस्पतालों में डॉक्टर WHO की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मेन वैक्सीन तो अभी बनी नहीं है, लेकिन कई सारे शोधों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। और राहत भरी खबर यह है कि कोरोना से लड़ने वाली दवाओं की वैज्ञानिकों ने पहचान कर ली है। 2 दर्जन दवाएं पहले ही परीक्षण में हैं, जबकि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा क्लोरोक्वीन के भी ठीक परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत में जो मरीज ठीक हुए हैं वह भी इसी क्लोरोक्वीन के जरिए ठीक हुए हैं। आपको बता दें, ये बेहद ही चौंकाने वाला है कि चीन में फास्फेट के उत्पादन की जांच कर्मी ने यह सिद्ध किया है कि मलेरिया की दवा क्लोरोक्वीन कोरोना के खिलाफ काम कर सकती है। हालांकि अभी इसके इस्तेमाल में जोखिम भी हो सकता है। फिलहाल शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि कोरोना के इलाज में 69 दवाएं प्रयोगात्मक तौर पर प्रभावी हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का यहां तक भी कहना है कि कुछ दवाओं का प्रयोग पहले से ही अन्य बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। इनकी लिस्ट शोधकर्ताओं ने कोरोना के एक जीन पर एक असामान्य शोध किया है। यह जीन फेफड़े की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इसके लिए उस वायरल प्रोटीन को रोकने की जरूरत है।